आज हमारा 6th चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस करता है जो उसके जीने के लिए जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं? वो होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना खाता है और खाने से क्या लेते हैं, अपना पोषण लेता है, अपने पोषक तत्व लेता है। सेकंड जो जरूरी चीज होती है हमारे लिए वो होती है रेस्पिरेशन, मतलब हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं और अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड चीज हमारे लिए जरूरी है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब कि हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना हमारी पूरी बॉडी पे, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्लड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। और हमारी जो फोर्थ चीज है स्टूडेंट, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या यूजलेस सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा, तभी हमारी बॉडी क्या हो पाएगी, हेल्दी रह पाएगी। तो इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो अब हम वन बाय वन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट? इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड खाता है और उससे क्या करता है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, लेता है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मेरा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, खाना खाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, खाने के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं न्यूट्रिएंट का क्या करती है, इन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज करके हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किन किन प्रोसेस से लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला मोड है स्टूडेंट, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? इसमें जो मेरे ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है बच्चों जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। क्या? ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। किस किस का हेल्प लेके? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेके, सनलाइट की हेल्प लेके, क्लोरोफिल की हेल्प लेके और वाटर की हेल्प लेके जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने खाने के लिए क्या होते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे अगर हमें खाना खाना होता है तो हमें खाना कौन देता है, हमें खाने देते हैं प्लांट्स देते हैं, ठीक है। अगर हमें वेज खाना होता है, अगर हमें नॉन वेज खाना होता है तो हम क्या खाते हैं, हम एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हैं, इसलिए हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों। इसके मेनली तीन टाइप होते हैं। एक होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा होता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। आइए इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने खाने के लिए डेड एंड डीके मैटर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब वो अपने खाने के लिए मरे हुए जीवों या सड़े हुए जीवों पे क्या करता है,
क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है, इसलिए इसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा बच्चों कि जब फॉरेस्ट में क्या होता है, कभी कोई जानवर क्या होता है, एनिमल क्या होता है, मर जाता है, तो वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने आप साफ हो जाता है। वो किसकी हेल्प से होता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उस डेड एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं स्टूडेंट, आते हैं और उसको अपना फूड बना लेते हैं, और वो जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो कुछ दिनों बाद हमें नहीं देखने को मिलती। हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो है बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है। इसका एग्जांपल है बच्चे जैसे कि राउंड वॉर्म, ठीक है। राउंड वॉर्म क्या होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, प्रेजेंट होता है। जैसे कि बचपन में क्या होते हैं, बच्चों की आंतों में कीड़े होते हैं ना, वही ये राउंड वॉर्म होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं और हमारे न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है बच्चों वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या क्या करता है, इंजेशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है और इजेशन करता है, ठीक है ना। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टूडेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में, मतलब हमारे अंदर और एनिमल्स में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन प्लांट की। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस का यूज करके। आइए जानते हैं फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में स्टूडेंट जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस किस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर की हेल्प से। आइए जानते हैं फिगर से कि हमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो कैसे देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्लांट है। प्लांट को सनलाइट कौन देते हैं, हमारे सूरज दादा, ठीक है ना। उन्हें क्लोरोफिल कहाँ से मिलती है बच्चों, क्लोरोफिल्स क्या होती है, प्लांट की पत्तियों में होती है। उन्हें और क्या चाहिए होता है बच्चों, उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है उन्हें, एयर से मिलती है। और तीसरी चीज चाहिए होती है वाटर। वाटर क्या होता है बच्चों, वो हम खुद प्लांट को देते हैं, ठीक है, जो हम उनके रूट्स में, जड़ों में देते हैं। अब जो हमारा, जब हमारे क्या होता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर मिल जाता है, तो प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब ये जो खाना होता है बच्चों, ये ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो हमारे एनिमल होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब वो अपना खाने में से पोषण कैसे लेते हैं, किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। जो हमारे एनिमल होते हैं वो किन किन पे डिपेंड रहते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या तो एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड रहते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या तो एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। या तो हम क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, एनिमल या ह्यूमन बींग, या हम क्या खाते हैं, या हम एनिमल खाते हैं, ओके स्टूडेंट। जैसे कि जो हमारे हिरन होता है बच्चों, वो क्या खाती है, जो हमारी डियर होती है वो क्या खाती है, ग्रास खाती है, प्लांट खाती है। और जो हमारे शेर होते हैं वो क्या खाते हैं, वो हिरन को खाते हैं। किसे खाते हैं, हिरन को खाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एनिमल होते हैं या तो वो प्लांट खाते हैं या एनिमल खाते हैं, या वो क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों को खाते हैं। जैसे कि हम, है ना, हम क्या होते हैं, ह्यूमन बींग क्या होते हैं, हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। हम सब्जी भी खाते हैं और क्या खाते हैं स्टूडेंट, हम क्या खाते हैं, चिकन भी खाते हैं,
अब इन्हीं की जो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, फूड की जो हमारे खाने की हैबिट से हमने क्या करा है, हमने एनिमल्स को तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो होता है बच्चों वो होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं बच्चों? हर्बीवोरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या खाते हैं, केवल ग्रीन प्लांट खाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे कि हमारा क्या हो गया, हिरन हो गया। हिरन क्या है बच्चों? हमारा एक हर्बीवोरस है। क्या है? हर्बीवोरस। क्योंकि वो केवल क्या खाते हैं हिरन? केवल घास खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है कौन सी? कार्निवोरस। जो हमारी कार्निवोरस होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? वो क्या खाते हैं? वो एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा लायन। जो हमारा लायन होता है वो किसे खाता है? वो हिरन को खाता है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? कार्निवोरस, ठीक है स्टूडेंट। और जो तीसरा होता है वो होता है कौन सा कैटेगरी? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या करते हैं बच्चे? ये प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों जैसे कि ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं? हम प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं ना, हम सब्जी भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, तो इसलिए हम क्या है? ओमनीवोरस है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जब वो अपना खाना खाते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो जो सबसे पहली प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या करता है? खाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। जो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमने खाना खाया है तो वो जो फूड है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो खाना छोटे छोटे कण में टूटता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। ये जो हमारा फूड है स्टूडेंट, जो डाइजेस्ट होता है वो दो जगह होता है। एक तो होता है हमारे स्टोमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, और एक हमारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारे पेट और हमारी छोटी आंत में हमारा खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कौन सी स्टूडेंट? वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है कि जो हमने खाना खाया वो हमें फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होके मिलता है? वो हमें मिलता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में हमें खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल जाता है। तो ये जो हमारा खाना जो कि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, तो जब ये खाना किसके अंदर जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? ब्लड के अंदर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब क्या हुआ था, हमारे ब्लड के अंदर हमारा खाना आ गया था, हमारा जो फूड था वो ब्लड के अंदर आ गया। अब ये जो फूड है वो ब्लड किसे देता है? वो कहां तक पहुंचाता है? सेल को पहुंचाता है। किसे पहुंचाता है? सेल को। अब हमारा ब्लड जो खाना है वो सेल को पहुंचा देता है। सेल इस खाने का क्या करता है स्टूडेंट? यूज करता है। इस खाने को क्या करता है? यूज करता है और उससे एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है और अपनी ग्रोथ के लिए क्या करता है? यूज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। जो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस होती है बच्चों वो होती है इजेशन। क्या होती है? इजेशन। जो हमारा ठीक है वेस्ट फूड होता है, क्या होता है? वेस्ट फूड, मतलब जो हमारा खाना, जो हमारे खाने के पार्टिकल्स थे, जो हमारा खाना था जिसका कोई भी काम नहीं था, जो हमारा वेस्ट फूड था, वो हम क्या कर देते हैं? वो हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं? इजेशन।